या आपकी वीडियो में स्टैंड अप कहाँ है भाई? आप खड़े हो तो वो स्टैंड अप नहीं है। अब टैग डाल के ऐसे उल्टे सीधे खुद यूट्यूब को कंफ्यूज करो कि आपकी वीडियो दिखाए तो किसको दिखाए, ये सौरभ जोशी के पास जाएगी या हर्ष बेनीवाल के पास जाएगी? ठीक है भाई, हम गाना गैस कर लेंगे, लेकिन आप एक काम करो कि यार आप ये वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, बस इसको पब्लिक मत किया करो। भाई आपने माइक तो ले लिया, लेकिन माइक को शायद चालू करना भूल गए क्योंकि आवाज तो आपकी बहुत गंदी आ रही है यार। तो 2024 की पहली वीडियो, और हमने सोचा पहली बार में ही आपका काम निपटा देते हैं, मतलब कि आपकी वीडियोस जो आपने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी जिसका हम रिव्यू करने वाले थे वो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ट्विस्ट रखा कि यार मैंने सोचा चलो आपकी वीडियोस में ये 9वीं बार बना रहा हूँ, यानी कि ये 9th पार्ट है, तो इसके साथ साथ में कुछ तड़का देने के लिए मैंने सोचा यार दिल से बुरा ना लगे आपको तो मैं थोड़ी सी रोस्टिंग करना चाहूंगा इसमें। मतलब आपकी जो गलतियां होंगी वो तो हम सारी बताएंगे कि क्या चीजें आपको सुधारनी चाहिए, लेकिन साथ में हम थोड़ा सा हंसी मजाक में थोड़ी सी रोस्टिंग भी अगर करके देखें तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। सबसे पहली वीडियो है ये डार्क वेब शॉर्ट फिल्म के नाम से, जिनका चैनल का नाम है AV7X। 100 सब्सक्राइबर है भाई के, 2 महीने पहले वीडियो डाली है जिसपे है 311 व्यूज और 33 कमेंट्स। पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सॉरी फॉर लेट और एडिटिंग भी अच्छे से नहीं हुई। अच्छा, लेट भी आए और एडिटिंग भी अच्छी नहीं हुई, तो भाई दो बहाने एक साथ तो नहीं चलेंगे। तो वीडियो देखते हैं इनकी। iPhone 12 लेना है। तेरा बजट कितना है? मैक्सिमम 18,000। इतने में तो शायद ही कोई सेकंड हैंड आईफोन मिले। तो तू एक काम कर, डार्क वेब से फोन मंगा ले, वहां पे सस्ता ब्रांड न्यू भी मिलेगा। लेकिन सीधा डायरेक्ट डार्क वेब, अरे चोरी वोरी का फोन ही ले लेते भाई, डार्क वेब पे कहां पहुंच गए। संभल कर, डार्क वेब थोड़ा डेंजर है। डार्क वेब कह के फ्लिपकार्ट खोल के दिखा दिया भाई। इस पे भी भाई 18,000 का तो दिखाने रखा, 55,000 दिखा रहे, तो थोड़ा सा ऐसे बारीकियों पे आप काम किया करो। अगर आप 18,000 का दिखा रहे हो तो फोन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें फोटोशॉप से उसको एडिट करके 18,000 का लगा दो फोन पे, ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो शूट आपने अच्छा किया हुआ है, एडिटिंग भी काफी अच्छी लग रही है मुझे तो यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी सजेशन देना चाहूंगा, ये जो बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो ब्लैक बॉर्डर्स है जो फेदर आप करके रखते हो कि बाउंड्रीज हमारी थोड़ी सी ब्लैक हो जाए, अगर तो ये कैमरा से है फिर तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एडिटिंग में डाली हुई है ना विनियटिंग का इफेक्ट ये, तो वो अच्छा नहीं लगता यार, ये बहुत पुराना सा हो गया और ये काफी ना मतलब वीडियो की जो लुक है आपकी वो दबा देता है। इसकी जगह आप कलर ग्रेडिंग पे थोड़ी सी मेहनत करो, और कलर ग्रेडिंग से अगर आप वो लुक बना पाओगे ना सस्पेंस वाली, तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। एक मिनट का ये जो सीन हुआ देखो आपने बहुत शानदार बना रखे, आपकी शूट मेरे को बहुत अच्छी लगी, एडिटिंग जो साउंड इफेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे लगे, और ये जो सस्पेंस दिखाया पीछे से एकदम वो बंदा पीछे खड़ा वो मास्क लगा के, वो भी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो मजा आया भाई। ये वीडियो का जो ओपनिंग सीन है एक मिनट का आपका, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। चलो अगला चैनल हम देखते हैं, स्पाइडरमैन स्पूफ डेविल एक्टर, 3 हफ्ते पहले वीडियो डाली थी, चलो देखते क्या है। देखो ठीक है, आप जो एफर्ट कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक चीज है, कमेंट्स आपको ऑफ नहीं रखने चाहिए, स्पेशली जब आप एक नए यूट्यूबर हो तो लोगों का जो फीडबैक है वही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कमेंट्स ऑन रखो। और जो आपकी वीडियो है आपने स्टार्टिंग दिखा रहे थे ठीक था, थोड़ा सा आपको जो कैमरा है वो ट्राइपॉड ले लो या फिर उसको टिका के स्टेबल रखो क्योंकि बहुत ज्यादा शेक है, बाकी की चीजें आप धीरे धीरे इंप्रूव करना, लेकिन सबसे पहली चीज कमेंट्स ऑन रखो, और दूसरा वीडियो को थोड़ा सा स्टेबल रखो। तीसरा है उमेश चौहान माय यूट्यूब इनकम, 314 सब्सक्राइबर पे भाई की यूट्यूब इनकम वाली वीडियोस आ गई हैं, देख रहे हो। चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, लेकिन यूट्यूब से पैसा आने वाली वीडियो का टाइटल जरूर बनाना, क्योंकि क्या पता भाई ने ऐसे 2-4 वो यूट्यूब गुरुज की वीडियोस देखी हो जिनको देख के इंस्पायर हो गया हो। चलो देखते हैं।
उमेश भाई आपकी जो पर्सनैलिटी है ना बड़ी क्यूट सी या स्वीट सी या बड़े अच्छे हो आप, बस यहाँ पे देखो क्या चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना डेफिनेटली ये ना एकदम रैंडम ऐसे वायरल हो जाएंगे जब इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आपका काम हो जाएगा, बस लगे रहो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगा जो स्पेशली रोस्टिंग वीडियोज़ बनाना चाहते हैं या फिर ऐसे क्यू एंड ए वीडियोज़ आप बना रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका सेगमेंट होगा ना ओपनिंग का वो बहुत ज़रूरी है। तो वहां पर या तो आप कुछ कॉमेडी सा रखो या हुक रखो कुछ ऐसा जिसकी वजह से लोग देखें। अगला चैनल है आरटीके फॉर फन और मैथ्स टीचर के ऊपर, इनकी स्टैंड अप कॉमेडी है, तो स्टैंड अप कॉमेडी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मेरे को काफी रिक्वेस्ट आती है, तो एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे कैसे आपको स्टैंड अप वीडियो शूट करनी चाहिए, क्योंकि 2016 या 2017 में मैंने स्टैंड अप वीडियोस करी हुई है, मतलब कि शोज पे नहीं ऐसे अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाई हुई है। वो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पुरानी गंदी गंदी वीडियोस, वो आपको दिखाऊंगा। अगर वो देखनी है ना तो कमेंट करके बताओ कि मेरी पुरानी वीडियोस आप देखना चाहते हो, रोस्टिंग वाली कॉमेडी वाली, क्योंकि मैंने ये सब करा हुआ है गंदी है लेकिन देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। भाई आपने माइक तो ले लिया लेकिन माइक को शायद चालू करना भूल गए क्योंकि आवाज़ तो आपकी बहुत गंदी आ रही है यार। तो देखो अगर स्पेशली अब आप कमरे में बना रहे हो और आपके पास माइक भी है तो यार माइक का यूज भी करो क्योंकि आवाज आपकी बहुत ही बेकार है, और यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स की जो ये चल रही है वो कम से कम अपनी पंच लाइन पे तो डालो आप, बस हेलो क्या हाल है उस पे तालियां पीटने चालू कर दोगे तो फिर वो कॉमेडी समझ ही कहाँ आएगी। खैर मतलब ये तो आजकल सारे स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं ऐसे नकली साउंड लगा के, खुद ही ऐसे लगता है लोगों को भाई कितना तगड़ी कॉमेडी कर रहा होगा। देखो यहाँ पे आप ही कैमरा के सामने अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, या तो आप अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, स्पेशली जब आप एक सोलो कॉमेडी क्रिएटर बनना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट जो है सॉलिड पैक होनी चाहिए, यहाँ तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो हंसी कहाँ से आएगी। अगला चैनल है सूर्यप्पा, 139 सब्सक्राइबर्स है इनके और इनकी वीडियो का नाम है द गन्ना हाइस्ट, टाइटल बढ़िया है गन्ना हाइस्ट। देखो एक चीज आपकी काफी अच्छी लगी, जो आपने रेजोल्यूशन रखा 21:9 का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है कि जो फ्लैट सिनेमैटिक टाइप की वीडियो लगेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने साइड में आपके टैग्स देखे हैं, जो वीडियो के टैग्स हैं वो आपने बिल्कुल ही बेकार रखे हुए, आपकी वीडियो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं होगी यूट्यूब के लिए। आपने टैग में रखा हुआ हाउ टू मेक वीडियोज लाइक राउंड टू हेल, तो यार ये राउंड टू हेल की तरफ वीडियो बना भी रहे हो तो लेकिन इसमें आप सिखा थोड़ी रहे हो, वो तो हमारा काम है ना, उसके लिए हम बैठे हैं, हम ये टैग लगा सकते हैं लेकिन आप नहीं, क्योंकि ये आपकी वीडियो से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इसके अलावा जो आपके टैग्स हैं जैसे स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, या आपकी वीडियो में स्टैंड अप कहाँ है भाई, आप खड़े हो तो वो स्टैंड अप नहीं है। माई फर्स्ट व्लॉग, भाई अब कॉमेडी वीडियो है शॉर्ट फिल्म है या व्लॉग है, आप टैग डाल के ऐसे उल्टे सीधे खुद यूट्यूब को कन्फ्यूज करो कि आपकी वीडियो दिखाए तो किसको दिखाए, ये सौरभ जोशी के पास जाएगी या हर्ष बेनीवाल के पास जाएगी। तो टैग्स जो है आपको यार ढंग से डालने चाहिए, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि हाउ टू रैंक कॉमेडी वीडियोस, वो आप जाके देख लेना, उसमें टैग्स कैसे यूज करने हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। अगली वीडियो है मिस्टर पॉसिबल की, जिनकी वीडियो का टाइटल है यूथ। देखो इन्होंने एक ड्रोन शॉट लगाया किसी स्टॉक फुटेज का, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर वाटरमार्क दिखाई दे रहा था, लेकिन ये चीज चल जाती है सीन एस्टेब्लिश करने के लिए, ऐसे ड्रोन शॉट लगाया बहुत बढ़िया है, लेकिन कोशिश करो कुछ ऐसा रैंडम शॉट मिल जाए जिसपे वाटरमार्क ना हो, बाकी ये भी ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो हो गई है करीब 48 सेकंड की पूरी, यहाँ पर जो आपने ड्रोन शॉट दिखाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें वॉइस ओवर में आपने कुछ अच्छा नहीं बताया, बस आप ये बोल रहे हो कि वीडियो ज़रूर देखने ही, वो ठीक है मेरे को समझता हूँ एज ए क्रिएटर यार लोगों को बोलना यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप भी कर देना वैसे लेकिन ये चीज़ है ना वीडियो की ओपनिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इसके अलावा जैसे आप ये दिखाना चाह रहे हो, वीडियो का टाइटल देख के मैं समझ गया हूँ कि क्या होगा कि 10 और 10 रुपये की कीमत आज के टाइम पर दिखानी है, इसको थोड़ा सा और अच्छा मास्टरपीस बनाने के लिए आप क्या कर सकते थे कि बेसिकली वीडियो के ओपनिंग में स्टार्टिंग में आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के सीन दिखा दिए, वो पापा के पास जा रहे हैं, पापा 1 रुपया दो ना, उसका पापा उसको 1 रुपया दे रहे हैं, वो खुशी से जा रहा है, तो वो फिर दिखा दिया कि आज के टाइम की जनरेशन वो फिर अब दिखाते हैं ऐसे शुरू होते हैं, तो वो चीज कैसे फर्क आप दिखा सकते हो पहले के बच्चे या आपके जो भी है, मतलब आपकी वीडियो के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, लेकिन जो सीन होने चाहिए वो आपकी वीडियो को कुछ रिप्रेजेंट करने चाहिए, जो ड्रोन शॉट थे
उसका कोई एक्चुअल में अब मतलब ही नहीं बना यहाँ पे। और ये जो मोबाइल आपने लगा रखा था ऐसे सीन, जो मोबाइल का ही चिपका दिया ऐसे, थोड़े से व्यूज ज्यादा आने लग गए ना भैया अगर आपकी फैन फॉलोइंग होती तो ये जो नंबर आपने दिखा रखा था ना वो सारे मतलब ऐसा हो जाता कि भाई फोन पे फोन आ रहे वो सिम चेंज करना पड़ जाता। तो ऐसी चीजें नहीं करनी यार, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना नंबर वगैरह इन सबको छुपा के रखा करो। और लास्ट हम वीडियो देखते हैं आवर रिएक्शन की, मतलब हमारा रिएक्शन नहीं भाई के चैनल का नाम है आवर रिएक्शन और भाई की वीडियो का नाम है गेस द सॉन्ग बाय इमोजी चैलेंज। और चैनल की स्पेलिंग एक बार आप जरूर गूगल कर लेना, शायद थोड़ी सी गड़बड़ आपकी हो गई है यहाँ पे। वेरी इंक्लूसिव, ठीक है भाई हम गाना गैस कर लेंगे, लेकिन आप एक काम करो कि यार आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, बस इसको पब्लिक मत किया करो। वीडियो आपकी अच्छी हो सकती है, आपने सबटाइटल लगा दिया नीचे, वो आपके अच्छा हुक बन जाएगा, बस आपको आवाज थोड़ी सी और अच्छी करनी पड़ेगी। तो गाइस ये था हमारा आज का रिव्यू वाला पार्ट आपकी वीडियोस का। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को मैं एकदम फ्री में एडिट करूं, तो आप अपना रो डेटा जो आपने शूट किया था उसका गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।